मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल में क्या होता है आपका, अगर हमें कोई स्क्रू टाइट करना है मतलब अंदर की तरफ सेंड करना है उसे, तो हमें किस तरफ घुमाना पड़ेगा? राइट साइड को, यानी ऐसे आपका, कैसे, जिस वे में आपकी देखो फिंगर एनसर्कल हो रही है, यानी इधर को हम मूव करेंगे, ठीक है? आपका ये ऐसे ही बनेगा ना। नहीं सर उल्टा ही बनेगा। मतलब इसको नीचे से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? अगर आप इसको 3D शेप में रखो ना कि ये अंदर जा रहा है, क्लियर? तो बेसिकली वही है आपका, देखो राइट हैंड थंब रूल, इसलिए राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी है, क्लियर? पहले आपका जो रूल यूज किया जाता था दैट इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, कि अगर आप टाइट करोगे तो मतलब देखो ना फिंगर उसी वे में आप घुमाओगे, क्लियर? और जब खोलना है तो इसको उल्टा करोगे ऐसे, क्लियर हुआ? तो उसी को चेंज कर दिया गया किसमें? राइट हैंड थंब। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सा रूल यूज करना है आपको हमेशा? राइट हैंड थंब। वन मार्क में आ सकता है क्या कि दूसरा मतलब नाम बताओ पहले वन मार्क तो आ ही घूम फिर के, मतलब क्वेश्चन में ही जाना है तुम्हें, है ना, क्या क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, मतलब अपनी नॉलेज नहीं है, नॉलेज बढ़ानी नहीं है ना। अरे नहीं सर अगर आए तो फिर तैयार तो रहना चाहिए ना उसके लिए, अगर आ जाए तो इनकेस। तो आ सकता है क्यों नहीं आ सकता, ठीक है नॉलेज का भी क्या काम नहीं आएगी? नहीं फिर पॉइंट्स में लिख क्या पता सकते कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो आईएएस का पूछ लिया कौन सा रूल यूज कर सकते हो, तो फिर क्या कौन सा रूल यूज होता है इनमें से अच्छा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और वहां पे राइट एंड थंब रूल नहीं हुआ तो ये होगा मतलब फिर आपका ऑप्शन में, ठीक है? नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर सपोज हमने किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पे प्लेस किया? करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्या होगा? देखो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है, क्लियर? अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर हो डिफरेंट शेप्स के हो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेंगे, अब उसको हम खुद मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा? आपस में दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं, मतलब आपस में वो फोर्स क्या होंगी? कोलाइड होंगी, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इजी टू मूव चीज होगी वो मूव करने लगेगी, क्लियर? यानी जिसकी फोर्स ज्यादा होगी वो दूसरे वाले को कंडक्टर को मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्लियर? अब यहाँ पे फिगर देखो बेटा, फिगर 13.12, यहाँ पे आपको क्या दिखाया, देखो एक कंडक्टर आपको दिखाया हुआ है, देखो ए बी, ए बी आपकी क्या है, एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है? एक्टिविटी 13.7 देखो, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड। अब हमने उसे उसके ऊपर वायर से अटैच कर दिया उसे दोनों तरफ, ठीक है, और लटका दिया, और एल्यूमिनियम रॉड ही क्यों यूज किया हमने? क्योंकि एल्यूमिनियम आपका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो ए बी में भी आपकी करंट पास करेगी, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड अब ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ए बी आपका थिक रॉड है, ठीक है? नाउ प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, क्लियर? अब इसमें क्या बोला है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने ऐसे रखा है कि ये भी जो रॉड है वो उसके बीचों बीच आ रही है, क्लियर? मैग्नेट के बीचों बीच आपकी रॉड आ रही है, और हॉर्सशू मैग्नेट लिया हमने इसलिए ताकि दोनों पोल्स एक ही तरफ को हो जाए और रॉड एक तरीके से परपेंडिकुलर है इसके, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है? नाउ फॉर दिस फर्दर बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां, यानी ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है, फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्यूमिनियम रॉड। नाउ कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद अ बैटरी अ की एंड अ रियोस्टेट, ठीक है? एल्यूमिनियम रॉड को फर्दर हमने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, की से और रियोस्टेट से, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए।
Now, connect the now pass a current through the aluminium rod from end B to A. ठीक है, B to A आपकी current flow हो रही है. ठीक है, current की direction आपकी B to A हो गई. What do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left. Clear? अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो रॉड है वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो यू विल नोटिस दैट द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. नाउ इट इज टुवर्ड्स द राइट. अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दोगे, बी टू ए थी अभी, अगर उसको ए टू बी कर दोगे तो रॉड की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो भी चेंज हो जाएगी. So, ये डिस्प्लेसमेंट हुई क्यों है? Why does the rod get displaced? So, the displacement of a rod in the above activity suggests that a force is exerted on a current carrying aluminium rod when it is placed in a magnetic field. क्यों हुई है डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है. अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, पोजेस करेगी जब करंट हम इसमें से पास कराएंगे, तो दोनों आपस में टकरा रहे हैं. अब मैग्नेट तो आपका हैवी है तो वो मूव नहीं कर सकता, आपकी रॉड फ्रीली सस्पेंडेड है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी. क्लियर? और एक ही तरफ को, ये नहीं कि पेंडुलम बन जाएगी, नहीं, उसको लेफ्ट की तरफ ही डिस्प्लेस कर दिया हमने. क्लियर? और अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो फिर राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट जा रही है. मतलब जैसे आप मैग्नेट में देखते हो कि एक वो डिस्टेंस बन जाता है उनके बीच में, वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको विजिबल होने लगेगा, रिपल्शन. ठीक है, अब जैसे दोनों मैग्नेट होती हैं, अगर सेम फोर्स लाओगे तो क्या होगा, उनमें रिपेल करेंगे, तो वही चीज यहां पर आपकी होगी. क्लियर? सो फर्दर देखो, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड. क्लियर? फोर्स की डायरेक्शन कब रिवर्स हो गई? जब हमने करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी. नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. क्लियर? अब हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. तो क्या अब भी चेंज होगी, बताओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यस और नो? यस. क्लियर? अब अगर हम पोल्स भी चेंज कर रहे हैं मैग्नेट के, तो भी डायरेक्शन ऑफ आपकी फोर्स चेंज हो जाएगी. क्लियर? इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स्ड. इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किस किस के ऊपर? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सेकेंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Experiments have shown that the displacement of the rod is largest when the direction of current is at right angles to the direction of magnetic field. जैसा हमने यहाँ पे भी क्या किया है, perpendicular रखा है. देखो, current की direction ये है, magnet की direction मतलब magnetic field lines की direction उसके perpendicular है current के. Clear? तो उस time पर आपको maximum displacement देखने को मिलेगी. क्लियर? क्योंकि उस टाइम पर मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा. क्लियर? इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल. अब अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए एक सिंपल रूल हम यूज कर सकते हैं. देखो, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. अब उसके लिए आपका रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब इसमें ध्यान से देखो, तीन चीजें क्या क्या है आपकी बेटा, वही रूल जहां से स्टार्ट है वो देखो. तीन डायरेक्शन हमें लेनी है बेटा. हमारे पास दो डायरेक्शन किस किस की हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास है. हमें तीसरी चीज क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, तो उसके लिए थंब, मिडल फिंगर और फोर फिंगर, ये तीन चीजें हमने ले ली. कर लो सब अपने बेटा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड जिनका नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड है ना सबके पास. राइट पे फोकस मत करो, लेफ्ट पे करो. ठीक है, अब इसमें हमें तीन चीजें क्या क्या हैं? देखो, अब हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, सॉरी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर जो है आपकी, वो आपको डायरेक्शन शो करेगी किसकी, करंट की. शो नहीं करेगी, मतलब हमें क्या करना है, अपनी जो मिडल फिंगर है
उसको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, क्लियर। उसके बाद आपकी जो फोर फिंगर है उसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, एफ फोर फोर फिंगर, एफ फोर फील्ड, क्लियर। मिडल में आई को अपने ध्यान दो, मिडल में आई आ रहा है, सो आई स्टैंड्स फॉर करंट, यानी करंट की डायरेक्शन मिडल फिंगर से शो करो, फोर फिंगर से अपनी फील्ड की डायरेक्शन शो करो। अब जिस वे में आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर। और ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, स्टार्टिंग से रूल समझो, अपनी तीन फिंगर्स को आपस में आपको परपेंडिकुलर रखना है, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे अगर आप क्यूब या क्यूबॉइड बनाते हो तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सेम वे में अपनी आपको तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनानी है, क्लियर। जैसा कि हमें पता भी है, यहां पर भी हमने किया था क्या, कि अपने जो करंट एलिमेंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना है, तब जो फोर्स डेवलप होगी वो उन दोनों के परपेंडिकुलर डेवलप होगी, क्लियर हुआ। तो अब जिस वे में अगर हम यहां पे रखे मैग्नेटिक फील्ड हमारी अपवर्ड है, करंट इस तरफ थी, तो अपवर्ड के बाद ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड रखी मैंने, करंट की डायरेक्शन इधर को है, ठीक है, तो थंब अंदर की तरफ शो कर रहा है, अंदर की तरफ मतलब ये पीछे की तरफ आपका शिफ्ट होगा, क्लियर। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे, फिर ये बाहर की तरफ निकलेगा, इधर आया समझ में। और ऐसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, अब अगर हम करंट की डायरेक्शन इधर ही रखें, करंट की डायरेक्शन इधर रखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दी, तो फिर ये बाहर अगेन बाहर की तरफ आ रहा है। तो या तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करें तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या हम करंट की डायरेक्शन चेंज करें तो भी आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि दो ही डायरेक्शन है फाइनली आपकी, या तो इधर। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कहां पर मिलेगा, जब वो परपेंडिकुलर होंगे, और रूल भी हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर के लिए ही बनाया गया है, क्लियर। नाउ पढ़ लो एक बार ध्यान से बेटा, इन एक्टिविटी 13.7 वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, क्लियर। सो द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और स्टेटमेंट बेटा प्रॉपरली आपको याद करनी है, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्लियर, कि वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मतलब फोर फिंगर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे thumb को पहले बता देते हैं। तो एक बार, जब तक हमने करंट की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेस नहीं की है तो क्या thumb की डायरेक्शन में मिल जाएगी पहले से? नहीं। तो जब स्टेटमेंट लिख रहे हो रूल की तो thumb की आपकी लास्ट में आ रही है ना। When we place first finger in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then your thumb will point in the direction of force on the conductor. Clear? आया समझ में? ये नहीं कि हमने सर तीन fingers बतानी थी rule में, हमने तीनों fingers बता दी, कौन किसको बताती है? ठीक है? Order भी आपका matter करता है. ठीक है? Clear बेटा सबको? Yes, so Fleming's left hand rule किस काम आता है? Finding the direction of force. कब? On a current carrying conductor placed in a magnetic field. यानी जब हम किसी current carrying conductor को magnetic field में place करते हैं, उस time पर हमें उसके ऊपर force निकालना है कि किस तरफ directed है, वो निकालने के लिए हम Fleming's left hand rule का use करते हैं. Clear? और फोर्स दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड।
नाउ अब एग्जांपल 13.2 देखो, इसी बेसिस पे दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद भी नीचे पढ़ लो, एक छोटा सा दिया हुआ है। अब देखो अब ये यूज कहां होता है हमारा, कि हमने फोर्स तो देख लिया कि कैसे लगेगा हमारे उस पे, बट वो अब यूज कहां होगा। डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इन नेक्स्ट फ्यू सेक्शन वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स। ठीक है, फर्दर अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में इसका कैसे यूज होता है। नाउ एग्जांपल 13.2 बेटा ध्यान से देखो, अब एग्जांपल 13.2 में आपको क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरफ गिवन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड। क्लियर, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का क्या रिलेशन है, अपोजिट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। आइए जी समझ में बेटा सबको। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, अब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। क्लियर, तो पहले हमने देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है रूल में, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बनाई हमने। अब यहां पे रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, नाउ सेकंड फिंगर को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। क्लियर, तो आपका जो थंब है वो किस तरफ शो कर रहा है, ध्यान से देखो इनटू द पेज। क्लियर, अगर यहां पर देख रहे हो तो इनटू द बोर्ड और बुक में देख रहे हो तो इनटू द पेज। क्लियर बेटा, याद रहेगा सबको। और वही चीज अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बोल देते तो आउट ऑफ द पेज, उल्टा हो जाता फिर उस कंडीशन में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटोन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जब आपका प्रोटोन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसे भी हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही बोलेंगे बेटा, मोशन ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर, सो अब उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, कोई भी चार्ज कैरियर आपका, चार्ज कैरियर मतलब करंट कैरी करेगा, तो करंट कैरी करेगा तो उसके क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो। क्लियर, सो अब यहां पर अब पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मास, सेकेंड बी स्पीड, थर्ड वेलोसिटी एंड फोर मोमेंटम। अब बताओ मास तो नहीं चेंज होगा, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी नहीं, मतलब उसको बस फोर्स लग रहा है ना, स्पीड चेंज नहीं होगी उसकी, सिर्फ डायरेक्शन यानी मूवमेंट आपकी चेंज हो गई। क्लियर, तो मास नहीं चेंज होगा, स्पीड नहीं चेंज होगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन चेंज हुई तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्लियर, एंड फोर्थ आपका मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्लियर बेटा, तो दो चीजें आपकी सी और डी दोनों ऑप्शन है बेटा इसमें, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल इफेक्टेड इफ फर्स्ट करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज, अगर हम करंट इंक्रीज कर दें
तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स आपका वहां पे, मतलब नॉर्मल फोर्स आपका ऑन द कंडक्टर इंक्रीज होगा, इट मींस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो इट विल मोर डिस्प्लेस। क्लियर बेटा सबको? देन सेकंड पार्ट आपका, अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। तो अगेन वही चीज, हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की बात कर रहे हैं वहां पे, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर। क्लियर हो गया सबको? थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अब लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा या कम होगा? सोचो, रॉड से जो डेवलप हो रहा है ज्यादा होगा, तो अगेन यहां पे मैग्नेटिक फोर्स आपकी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो तीनों केस में ही आपका डिस्प्लेसमेंट, देखो क्वेश्चन में पूछा भी था स्टार्टिंग में, डिस्प्लेसमेंट ही बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। तो तीनों ही केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा सबको? थर्ड क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ट्विस्ट कर दिया, ध्यान से देखो। आपका क्या बोला है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उन्होंने अल्फा पार्टिकल दिया है। देखो इलेक्ट्रॉन्स में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसकी अपोजिट होती है। अगर उसकी जगह कोई पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है वही आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की रहेगी। अब इसमें क्या बोला है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा था? वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने सपोज ये बना लिए, ईस्ट तो वेस्ट आपका इस तरफ, आपका यानी इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपके पास आ गई टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है। नाउ उसके बाद बेटा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी जो फोर्स लग रही है इस पर वो इस तरफ इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी फोर्स आपकी अपवर्ड लग रही है, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ लग रही है। क्लियर? अपवर्ड नहीं बेटा, इसमें हम ये बोलेंगे नॉर्थ की तरफ ही। आपकी फोर्स वेस्ट के परपेंडिकुलर लग रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। अपवर्ड बोलना तो हमारे लिए ये हो गया बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। नाउ अब हमें यहां पे क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन समझ में आया? अब हमें यहां पे फोर्स की डायरेक्शन दे दी गई है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? अगेन लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया, तो क्या होगा? अब यहां पे देखो फोर्स की डायरेक्शन हमें गिवन है टुवर्ड्स नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये हमने करंट की डायरेक्शन रख दिया और ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो गई। क्लियर आया समझ में? ठीक है, और यहां पर कुछ किसी के ऊपर रखा था? नहीं। तो यहां तक आ गया बेटा समझ में? ध्यान से देखो, क्लियर है ये? आपकी करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकल रहा है ना, यानी अपवर्ड्स। क्लियर? अपवर्ड्स होगा बेटा, डी ऑप्शन है ना। देखो देखो टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ एंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो वैसे ही ऑप्शन आपके कट गए क्योंकि वो दोनों उन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। क्लियर? तो या तो आपका डाउनवर्ड होना था या अपवर्ड होना था। आई समझ में, मैं क्यों मना कर रहा था उस टाइम अपवर्ड? क्लियर? क्योंकि हमें नॉर्थ या तो नॉर्थ ही लेना है, अपवर्ड उसे हम नहीं बोल पाएंगे उस कंडीशन में। अब अपवर्ड ये यानी कि बाहर की तरफ। अब ये आपने मतलब ये तो हमने अभी एक बोर्ड पे बनाया, अगर आप ये चीज कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में आपको ऐसे लगेगा, देखो ये क्लियर कि ये आपने वेस्ट इधर बनाया, नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ बन गया कॉपी में, और ये ऐसे बाहर की तरफ अपवर्ड निकल रहा है। क्लियर? मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन।
मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन का मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म आपकी मेडिसिन में कहाँ यूज आती है, तो मेडिसिन में बेसिकली आपकी जो डायग्नोज होते हैं, ठीक है, कोई भी आपकी जैसे डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए आपका मैग्नेटिज्म का यूज होता है। क्यों बताओ? अब हमारे अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ पे डेवलप हो रही है फिर? आप सबने पढ़ा है नर्व्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं, मतलब नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है वहां पे, क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होती है, बहुत ही माइन्यूट बट होती है, क्लियर? तो उसका यूज करके हम ब्रेन और हार्ट के लिए मैग्नेटिज्म में, मतलब कोई भी अगर ब्रेन वगैरह की सर्जरी करनी है या हार्ट की करनी है तो उसके लिए, मतलब कोई अगर आपकी जो डिजीज है उसको स्पॉट करने के लिए आपका मैग्नेटिज्म यूज किया जा सकता है। देखो पेज नंबर 232 पे, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? सो इवन वीक आयन करंट्स दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल्स इन अवर बॉडी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी टच समथिंग अवर नर्व्स कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्स थ्रू द मसल्स वी नीड टू यूज, क्लियर? हम कुछ भी टच करते हैं तो हमारे जो नर्व्स होती हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स फॉर्म करती हैं, क्लियर? और वो हमारे ब्रेन तक सेंड करती है मसल से, ठीक है? सो दिस इंपल्स प्रोड्यूसेस अ टेंपरेरी मैग्नेटिक फील्ड। दीज फील्ड्स आर वेरी वीक एंड आर अबाउट 1 billionth ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर? हमारी ये जो फील्ड होती है वो बहुत ही वीक होती है, जैसे मैंने बताया माइन्यूट बनती है बहुत कम, और 1 billionth ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे यानी कि ना तो हमें आपस में कोई इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का और ना ही अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर? बट टू मेन ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट, मतलब एज कंपेयर टू अवर होल बॉडी जहां पर ज्यादा होती है, दैट इज हार्ट एंड ब्रेन। सो द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है उससे हम क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट की इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए, क्लियर? जैसे कि आपकी टेक्निक जो है दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होता है, आपकी जो मैग्नेटिक सेंड की जाती है रेज, ठीक है, और वो उससे आपकी इमेज, आपके अंदर ऑर्गन्स की जो इमेज होती है वो डेवलप की जा सकती है मॉनिटर पे, और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर कोई डिफेक्ट है या कोई और चीज है या कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है बेटर, तो वो हम वहां पे ट्रैक कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प इन मेडिकल डायग्नोसिस, क्लियर? डायग्नोस का मतलब सबको पता है ना, मैग्नेटिज्म हैज दस गॉट इंपॉर्टेंस यूजेस इन मेडिसिन, क्लियर बेटा सबको? नाउ उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है, देखो कैसे काम करती है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, क्लियर? आपको कोई भी काम करना है जैसे वाटर लिफ्ट करना है, ठीक है, या पंपिंग, या आपका फैन रन हो रहा है, ठीक है, तो इन सब में आपका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। आपको कोई भी मैकेनिकल वर्क करना है तो उसमें आपका मोटर का काम होता है, जैसे आपका मिक्सर देखा ना, मिक्सर में चलता है घूमता है वो मैकेनिकल वर्क, तो वो क्या कर रहा है, आप तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो बट वो इंटर्न आपको क्या दे रहा है, मैकेनिकल वर्क करके दे रहा है, मतलब क्लियर। तो कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी मशीन जो आपकी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है, हमें डिटेल में ये पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो जैसा अभी हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, दैट इज फोर्स ऑन अ
करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, क्लियर, जिस फोर्स की वजह से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्लियर। अब अगर हम उस फोर्स को प्रॉपरली उसके ऊपर लगाएं तो वो पूरा घूमना भी स्टार्ट कर देगा, पूरी रोटेशन लेना, जो कि आपके फैन में होती है या मिक्सर में होती है या वाटर पंप पर पंप में होती है, इलेक्ट्रिक पंप्स में, क्लियर, जिसकी वजह से आपका पूरा मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, क्लियर। तो अब उसके लिए कैसे मोटर का डिजाइन है वो ध्यान से देखो बेटा, हमने बड़े बड़े हॉर्सशू मैग्नेट्स ले लिए, ठीक है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हमने बेसिकली दिखाया, मतलब ये बहुत बड़ा ऐसे मैग्नेट है आपका, ठीक है, हम सिर्फ पोल दिखा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें ऐसे बन गई आपकी, क्लियर। अब हमने कॉइल ली, कॉइल उसके इन बिटवीन रखी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल ली हमने और उसके इन बिटवीन रखी है हमने। नाउ अब यहां पर ध्यान से देखो, हमने यहां पे क्या किया है, दो रिंग्स जो बीच बीच में से ब्रेकड हैं, ठीक है, उनको यूज किया है और इनको एक अलग नाम देते हैं, दैट इज स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, चलो बताओ, तुम ही कह रहे हो कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर का मतलब बताओ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कम्यूटेटर का मीनिंग बताओ, मुझे ये मत बताओ कहाँ से क्या होता है, कम्यूटेटर का मीनिंग बताओ। घर पे जाके सर्च करना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा। आगे हमने उसे कार्बन ब्रशेज लगा दिए, ठीक है, ये कार्बन ब्रशेज हैं आपके, ठीक है, और उससे फर्दर हमने वायर अटैच कर दी कार्बन ब्रशेज से बेटा, ठीक है, और ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो कार्बन ब्रशेज से टच हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्लियर, मतलब कनेक्टेड जॉइंट नहीं है, सिर्फ टच कर रहे हैं। आगे फर्दर हमने बैटरी यूज कर ली, जितनी बड़ी हम बैटरी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, और ये आपका स्विच हो गया। क्लियर है सारी टर्म्स बेटा, डायग्राम क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो पॉजिटिव ही है, मतलब यहां से पहले इसमें ट्रांसफर हुआ, इसको हमने एबीसीडी दे दिया बेटा, अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल को एबीसीडी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करंट आपकी ए टू बी जा रही है, देन बी टू सी एंड देन सी टू डी, क्लियर, और ये क्या है आपकी स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का मतलब क्लियर है, रिंग हो गई स्प्लिट इन शेप, मतलब एक रिंग को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और वो आपस में टच नहीं है बीच में, क्लियर यहां तक। नाउ अब जब इसमें हम करंट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो बेटा ये प्रोसेस कि कैसे आपकी जो कॉइल है वो रोटेट होगी, और स्प्लिट रिंग्स के बीच में हम एक और चीज यूज करेंगे, एक्सल। क्या यूज करेंगे? एक्सल, यानी जिस चीज को हम घुमाना चाहते हैं। अब जैसे फैन आपका रोटेट होता है तो ऊपर से एक डंडा वो उस पर रोटेट होता है, तो वो ऊपर रोटेट होगा तभी आपका वो फैन रोटेट होगा, क्लियर, आए समझ में। या कोई भी मिक्सर आपका रन कर रहा है तो आपने देखा होगा नीचे का एक वो घूमता है, उसके ऊपर जो आप बड़ी चीज लगा लो फिर वो भी घूमना स्टार्ट कर देगी, क्लियर। तो हमें किसी चीज को घुमाना है एक्सल, क्लियर। तो जब ये स्प्लिट रिंग्स आपकी घूमेंगी तब ये एक्सल आपका रोटेट होगा, क्लियर। तो अब ये रोटेट कैसे होगा ध्यान से देखो, पहले करंट आपका कहां से जा रहा है, ए टू बी यहां पे, उसके बाद बी टू सी, सी टू डी, और फिर आपका वापस सर्किट में आ गया, क्लियर। ऐसे ये राउंड आपका चलता रहेगा। अब ए टू बी जा रहा है पहले, तो क्या होगा देखो, करंट की डायरेक्शन ये हो गई आपकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन ये हो गई डाउनवर्ड्स। आया समझ में, या अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इनटू दी बोर्ड, समझ में आया, यानी ए भी आपका रोटेट होके पीछे की तरफ जा रहा है, समझ आ रहा है ना, तो 3D शेप लेना है आपको पीछे की तरफ, यानी आपका CD वाला आगे की तरफ आने लगेगा, AB वाला पीछे की तरफ जा रहा है, क्लियर। नाउ अब क्या होगा उसके बाद, BC पे क्या होगी फोर्स बताओ,
बीसी पे फोर्स आपकी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट यहाँ पे क्या हो गई, पैरेलल। तो पैरेलल में मिनिमम फोर्स हो जाएगी, दैट इज जीरो। क्लियर? सेम एज इधर एडी में भी। क्लियर? तो आपकी फोर्स सिर्फ एबी और सीडी में लगेगी। अब सीडी में देखो, सीडी और एबी में क्या फर्क है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। तो अब सीडी में कौन सी फोर्स लगेगी, अब इसमें क्या हो गया, फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो अब निकालो डायनेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल से, फील्ड आपकी उस तरफ, ये इस तरफ, तो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब इसको इनवर्ड कह रहे हैं जैसे, तो उसको आउटवर्ड। तो जो काम इसमें हो रहा था वही काम इसमें भी हो रहा है। समझ में आया? जो काम इसमें हो रहा था वही काम इसमें हो रहा है। मतलब एबी पीछे की तरफ, अगर हम इस हैंड को देखें, अगर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो एबी पीछे की तरफ जा रहा है और सीडी धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे घूम के वो एक रोटेशन में, हाफ रोटेशन में, हाफ रोटेशन में ऐसे हो जाएगा, यानी सीडी अब इस तरफ आ गया और एबी इस तरफ आ गया। क्लियर? अब मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं यहां पर बोर्ड पे, ध्यान से देखो। यानी अब आपका सीडी घूम के इधर आ गया, यानी यहां पे सीडी हो गया। क्लियर? और यहां पे ए बी, अच्छा सी ऊपर था ना, सॉरी सी डी, ठीक है ना, ऐसे घूमा, सी यहां पे था पहले, अब यहां पे आ गया। क्लियर? और डी नीचे, बी पहले यहां पे था, अब वो पीछे चला गया इधर। क्लियर हो गया? yes. आप अपना एक नॉर्मल पेज लेके भी सोच सकते हो ये चीजें, ठीक है, कैसे घूमा। नाउ अब स्प्लिट रिंग्स में हमने नंबर दे दिए थे, सपोज S1 और S2, यानी पहले आपका जो था S1 किसके साथ कनेक्ट था, AB के साथ, AB के साथ। तो स्प्लिट रिंग भी घूमी साथ में, तो S1 कहां चला जाएगा, यहां पे, और S2 यहां पे आ जाएगा। स्प्लिट रिंग्स ऊपर वाले सर्किट के कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड नहीं है। कार्बन ब्रशेस सी वन और सी टू, ठीक है, कार्बन ब्रशेस वहीं के वहीं रहेंगे। आपका ऊपर का सर्किट घूमा, एक्सल घूमा, ठीक है, आपका बाकी का जो कार्बन ब्रशेस से पूरा रिमेनिंग सर्किट है वो एज इट इज वहीं का वहीं रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक? आ रहा है सबको समझ में? नाउ अब सेकंड केस में क्या होगा, देखो अब स्प्लिट रिंग्स का काम ध्यान से देखो। अभी पहले आपकी जो S1 थी वो पॉजिटिव पे कनेक्ट थी, बट अब S1 किस पे कनेक्ट हो गई है, नेगेटिव पे। S2 पहले नेगेटिव पे थी, अब पॉजिटिव पे आ गई है। अब हमने जो पहले देखा था, अब ये डायरेक्शन हटा रहे हैं, ठीक है, हमने पहले देखा था डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, A टू B थी जब A भी यहां पे था। क्लियर? और C टू D थी जब C D यहां पे था। अब अगर हम देखें, अब S2 वाली पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट देखो अब, यानी पहले D टू C जाएगी, C टू B, देन B टू A, एंड देन वापस पूरे सर्किट में। क्लियर? यानी ध्यान से देखो, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो गई है। पहले सी टू डी थी फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकेंड हाफ साइकिल में आपकी डी टू सी हो गई है। ए टू बी थी पहले हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ साइकिल में बी टू ए हो गई है। क्लियर? अब रोटेशन कैसे होगा अगेन बताओ। अब अगेन वही चीज देखो, सी टू डी में, अब डी टू सी वाले में ये चीज कंडीशन लग रही है, तो अगेन अब ये अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ जाएगा। यानी जो रोटेशन हमारा पहली हाफ साइकिल में बना था, वही रोटेशन दूसरी हाफ साइकिल में भी बन रहा है। लाइक अगर हम ये कॉपी लें, ये पहली बार में ऐसे घूमी थी, दूसरी बार में भी ऐसे ही घूमेगी, और अगर हम अब इसको जल्दी जल्दी करें तो ये ऐसे फुल रोटेशन आपकी चलती रहेगी। आया समझ में? अब ध्यान से सुनो, स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर क्यों कहते हैं। कम्यूटेटर मतलब करंट ट्रांसफर करवाना। कम्यूटेटर का काम है कि वो करंट यहां से पूरे सर्किट में ट्रांसफर कर रही है ऊपर वाले सर्किट में, और उसकी क्या हो रही है, बार बार एंड्स चेंज हो रहे हैं,
यानी एक बार स्प्लिट रिंग पॉजिटिव पे कनेक्ट हो रही है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव पे कनेक्ट हो रही है वही वाली। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी एवरी रोटेशन हाफ रोटेशन चेंज हो रही है एवरी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। क्लियर? यानी फुल रोटेशन मतलब हम कब बोलते हैं, जब अगर सपोज ये आपकी कॉपी है वापिस ये आपके सामने आ जाए तो एक बार में रोटेट ये हुआ तो इसको हम हाफ साइकिल बोलेंगे, फुल साइकिल जब वापिस आपके सामने ये आ गया तो। क्लियर? आ गया समझ में? तो यानी दो बार रोटेट हो रही है एक साइकिल में वो, ठीक है। और अगर हम स्प्लिट रिंग्स यूज नहीं करते तो क्या होता बताओ? अगर हम स्प्लिट रिंग्स की जगह नॉर्मल रिंग यूज कर ले तो, या फिक्स कर दे उसे तो वायर सुलझ जाती मतलब आपका रोटेशन ध्यान से देखो, पहले हाफ साइकिल में ऐसे हुआ, दूसरे हाफ साइकिल में वापस ऐसे हो जाता। तो इसमें आपने कभी देखा कोई ऐसी मोटर ऐसे काम कर सकती है? उसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो पेंडुलम बन जाता आपका सिर्फ। क्लियर? और वो फिर मिक्स नहीं होता। ऐसा किसमें होता है वैसे? वॉशिंग मशीन में, ठीक है। बट वो भी वो एक साथ नहीं होता, एक साथ नहीं होता। वो फर्स्ट रोटेशन पूरा ऐसे गोल गोल घुमाते फिर सेकंड रोटेशन में रिवर्स करते, मतलब उसमें मोटर ही आपकी। क्लियर? बट उसमें वो डायरेक्शन बाद में चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन कैसे काम करती है याद रहेगा? एक्सप्लेन कर लोगे किसी को? पक्का? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको बेटा यही सब समझाया गया है, डिटेल में पढ़ लेना इसको। स्प्लिट रिंग्स को हम और क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेटर रिंग्स। क्यों बोल रहे हैं? क्लियर? डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में देखो बेटा, पेज 233 पे, नाउ द कमर्शियल मोटर्स यूज। अब इसको हम और एडवांस बनाना चाहे मोटर को, ये तो आपका सिंपल सा डायग्राम हो गया। क्लियर? सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मोटर ऐसे काम करती है। अब इसमें हम अगर ये पावर बढ़ाना चाहें, रोटेशन और बढ़ाना चाहें, तो क्या करें? एक तो करंट ज्यादा कर दें। क्लियर? दूसरा, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए क्या करें, यहां पे इस नॉर्मल सर्किट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लें, जैसा कि सोलेनॉइड्स वगैरह में होता है आपका, तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज कर लें, ठीक है। और हॉर्सशू मैग्नेट तो हम यूज कर ही रहे हैं, हैवी वाली। क्लियर? सो देखो वहां पे लिखा है वही, और द कमर्शियल मोटर्स यूज पहला एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। यहां पे हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर लें, इसी के ऊपर बाउंड कर लें। क्लियर? जैसा हमने सर्कुलर कॉइल वाले में बताया था कि अगर एन टर्न्स होंगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका एन टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे फोर्स उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। थर्ड आपका सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर वहां पे यूज कर लें। सो द सॉफ्ट आयरन ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड एन आर्मेचर। अब इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर, जहां पे आपकी करंट फ्लो हो रही है बेटा, ठीक है। ऊपर का जो सर्किट है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। सो दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। कार्बन ब्रशेस सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है, वो फिक्स्ड है वहां पे। क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ वायर छोड़ देंगे तो वायर का स्पेस तो बहुत छोटा होता है टच करने का। क्लियर? अब स्प्लिट रिंग उसमें टच होंगी नहीं होंगी कभी, मतलब घूम घूम के, तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी हमारे पास। कार्बन ब्रशेस हम थोड़े मोटे लगा रहे हैं, क्लियर, इसलिए वो मोटा भी दिखाया बेसिकली। क्लियर? तो जिससे जब स्प्लिट रिंग्स घूमेंगी तो वो उससे जब कनेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे तो करंट उसमें पास होगा। अब देखो इसमें एक और चीज बेटा, जब स्प्लिट रिंग्स के बीच में जगह है, जब ये घूमेगा तो बीच में स्प्लिट रिंग से कॉन्टेक्ट टूट भी जाएगा। टच नहीं होती ना एक्सिल से। जब आपकी स्प्लिट रिंग्स घूम रही हैं, तो जो स्प्लिट रिंग्स के बीच में जगह है अगर वो कार्बन ब्रशेस के सामने आ गई तो कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो जाएगा करंट का।
तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक मोटर कंटिन्यूस चलेगी? नहीं। चलेगी। ध्यान से सुनो, यहां से फोर्स अप्लाई हुआ, अब मुझे इस बुक को रोटेट करवाना है। ये सपोज टंगी हुई है, मैंने थोड़ा सा फोर्स इधर से लगाया, तो क्या ये यहीं तक जाएगी? नहीं, पूरा घूम जाएगी। क्या होता है ध्यान से देखो, आपकी ये सपोज कॉइल हो गई, ठीक है, आपने इसको नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, इसको आगे की तरफ पुश कर रहे हो, जब ये ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगी तो उस टाइम पर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। यानी आपने फोर्स इस पर लगाई 90 डिग्री घुमाने के लिए, और अगला 90 डिग्री वो अपने आप आ जाएगी वापस। हमने 90 डिग्री तक घुमाया, फोर्स बंद कर दिया, अगला 90 डिग्री वो अपने आप कवर करेगी, फिर वापस ऐसे आ जाएगी, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे और फिर वापस। आया समझ में? अगर हम उसे, ध्यान से सुनो, अगर हम उसे कंटिन्यूस करंट देते तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती, समझे? नहीं, अगर हम उसे कंटिन्यूस करंट देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती रहती और एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती। हमें उसे कांस्टेंट स्पीड, आपका जो फैन है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमता है ना, इधर ही धीरे धीरे बढ़ जाता है, नहीं ना? क्लियर? तो वही चीज आपकी मोटर के केस में। स्टार्टिंग की बात अलग है कि स्टार्टिंग में धीरे से स्टार्ट होता है, बट चलने के बाद एक फिर कॉन्स्टेंट स्पीड पे आपका वो रोटेट होता है। क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक मोटर? इसके नीचे तीन क्वेश्चन है, फटाफट देखो। पहला क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पता है आप सबको, लिख लोगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, वो रूल है। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है किसके ऊपर, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर ये चीज हमें नहीं पता होती तो हम इलेक्ट्रिक मोटर बना पाते? तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, किस बेसिस पर उसे बनाया गया है। क्लियर? नाउ थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्रिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? क्लियर है सबको? क्या? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, रोटेशन नहीं, हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है, या फिर आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। क्लियर? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। क्लियर? चलो यहां तक कंप्लीट कर लेना बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फर्दर करेंगे।